महामंत्री श्री रामचरण जी बोरा और विधायक श्री राधेश्याम जी, रोहिताश जी, विजय पुनिया जी और हमारे इस क्षेत्र के लाडले विधायक श्री रणवीर जी पहलवान और उपस्थित मेरे सामने इतनी सारी संख्या में बैठी माताएं बहने, सबसे पहले तो मैं आप लोग सबको प्रणाम करूं और फिर मेरे साथ बुजुर्गण और भाइयों आप लोग सबको बहुत बहुत प्रणाम। मुझे लगता है कि आप यहाँ बहुत देर से हैं। 9 बजे आ गए। कितने बजे आ गए? 9 बजे आप पूछ लो विजय पुनिया जी, 9 बजे आ गए। लग रहा है 9 बजे से आए हुए, क्योंकि बिल्कुल ही ऐसा मूर्छित हुए जा रहे हैं सबके सब कि मैं इनकी हालत देख के मुझे दया आ रही है। इसी मैं ही सोच रही हूँ कि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगी, इनकी हालत तो और बिगड़ जाएगी। पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार जताया और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस राजस्थान के पीछे ही लड़ाई लड़ी है। पिछले बार परिवर्तन यात्रा निकाली थी और राजस्थान के अंदर परिवर्तन लाया था, इस बार भी इस धूप में आपके साथ चल के फिर से परिवर्तन लाके हम एक दफा और इस प्रदेश के अंदर अपना राज जताएंगे। ये आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, हम सब लोगों मिलकर अपना राज्य जताएंगे। साढ़े 4 साल जिन लोगों ने राज करके और बिल्कुल मौज मस्ती की है ये सोच करके हमें कोई काम ही नहीं करना, 4.5 साल कोई काम नहीं। आप देख लीजिए यहाँ बिजली 4 घंटे अगर आती हो तो मैं अपना नाम बदल दूँ, बताओ आती है? वो भी ट्रिपिंग में। और अगर किसान को 5 घंटे बिजली मिलती है तो मैं अपना नाम बदल दूँ, मिल रही है क्या 5 घंटे? वो भी ट्रिपिंग के साथ। आपके रोड की हालत देख लो, पीने के पानी के अंदर क्लोराइड मिल रहा है ना, क्लोराइड का पानी है। और जो मैंने पता किया तो जो शहर के अंदर पानी आ रहा है वो 48 घंटे में पानी आता है, वो भी 15-20 मिनट के लिए। क्या ये सही है? ये भी सही है ना। अब ये सरकार, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब ये है जो अपने परिवार को प्रेम से आगे बढ़ाता है, जो 36 के 36 कौम को खुश रखता है, जो दोनों मजहब को अपने गले से लगा के चलता है, जो कोई किसी के बीच में झगड़ा नहीं होने देता है, जो प्रदेश का अच्छा सोच के उसके विकास में 4 चांद लगा देता है, जो आप लोगों की माता और बहनों की इज्जत को बनाए रखता है। आज राजस्थान के अंदर ये कुछ हो रहा है। अभी अभी आपने पढ़ा होगा मूंगफली, 7 महीने से माता और बहनों उनकी इज्जत लूटी जा रही है, वहां कैसे राक्षस लोग बैठे हुए होंगे, जो लोग बेचारी बच्चियां जो बोल नहीं सकती सुन नहीं सकती उनके साथ इस तरीके का। और 30 तारीख से लेके आगे उन्होंने किसी को बताया इसलिए नहीं कि राहुल गांधी आ रहे हैं, कहीं राहुल गांधी को मालूम पड़ जाए कि हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर ये हो रहा है तो हमारी तैयार ना बिगड़ जाए। उनको चिंता ये नहीं है कि हमारी माता बहन की इज्जत का क्या है, उनको चिंता सिर्फ इतनी है कि हमारी तैयार ना बिगड़े, कि राहुल गांधी क्या सोच के जाएगा हमारे बारे में, उसको यही चिंता है। उसको चिंता है क्या कि किसान की क्या हालत हो रही है? उसको चिंता है क्या कि जब आपका पाला पड़ा और बोले पड़े तब आपको मुआवजा का इंतजाम कह के नहीं दिया? मिला किसी को? किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। यहां रिश्वत खोर के नाम से अगर आपका वहां उछला जाता है ट्रांसफॉर्मर ठीक होने के लिए तो कहां 72 घंटे में हमारे समय के अंदर वापिस लौटाना पड़ता था, और आज मुश्किल से 2 महीने में वापस आता है, वो भी आएगा जब आप रिश्वत 20-25 हजार का दोगे। क्या ये सही है? आज मेरे से किसी ने पूछा कि आप क्यों जा रहे हो इस गर्मी में लोगों के बीच में, क्या बात? मैंने कहा ये यात्रा हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि जरूरी है कि जनता के बीच में जाके देखे, ऐसे मौसम में जाके देखे, उनकी आंखों में आंख डाल के उनसे पूछे कि क्या जो चीज उनको मिलनी चाहिए वो उनको मिल रही है, क्या नहीं मिल रही, इसलिए आप लोग के बीच में है। और मैं पूरी की पूरी आज 3,500 किलोमीटर पूरे हो गए, जब तक पूरा होगा तो करीबन 13,000 किलोमीटर पूरा होगा और जब तक जोधपुर पहुंचेंगे तो 50 डिग्री से ऊपर गर्मी होगी। परंतु मैं मानती हूं कि जरूरी है कि अपने परिवार के बीच में उनके आंसू पहुंचने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, उनकी बात को आगे रखने के लिए, इसीलिए तो हमको यहां भेजा गया, इसीलिए तो आपने हमें वोट दिया था, इसीलिए तो आपने अपना परिवार जैसे मान के हम हमारे साथ कंधे से कंधा चले हैं।
करके हमारी नौकरियों का कोई इंतजाम करेगा कि नहीं। आज 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 10 लाख लोगों को नौकरी मिली, सरकारी और गैर सरकारी नौकरी, और आज 4.5 साल निकल गए, 50,000 तक भी नौकरी नहीं मिली। क्या सरकार, और अब 4 महीने बच के तो रेवड़ी कट रही है, और क्या सोच के बच रही, उनको लगता है कि ये सब लोग जो बैठे हैं इनको कोई समझ नहीं है, उनको लगता है कि ये सब लोग हमारी बातों में आ जाएंगे और हमारी जान में फंस जाएंगे और हम इनसे फिर से वोट ले लेंगे और इनको डराएंगे, धमकाएंगे, लड़ाएंगे और इनके वोट लेके फायदे में बैठेंगे जैसे 55 साल से करते आ रहे। 5 साल नहीं भाइयों, 55 साल इन्होंने राज किया। 10 साल राजस्थान का, ये आपके मध्य प्रदेश का राज हुआ, आप जाके देख लीजिए, 10 साल के अंदर काया पलट नहीं हुआ है मध्य प्रदेश का, तो मेरा नाम बदल। आप उधर चले जाइए गुजरात में, 15 साल उनकी सरकार, उनकी जनता ने उनको दिया, 15 साल के अंदर आज उनका नाम, उनके प्रदेश का नाम देश के नहीं पूरी दुनिया के अंदर नहीं हो गया, तो बताओ मेरे, पूरी दुनिया जानती है नरेंद्र मोदी और गुजरात का नाम, क्योंकि गुजरात के अंदर इतने अच्छे अच्छे काम हुए। और 55 साल हमने दिए कांग्रेस को और 55 साल के बाद हम इस तरीके से गड्ढे में बैठे हुए हैं, फ्लोराइड का पानी पीना पड़ रहा है, रस्ते के ऊपर चल नहीं पाते। आज जिस रस्ते से मैं आ रही हूँ जयपुर से, वो टोंक का रास्ता अभी नया बना है, 6-7 महीने बोले लोग मेरे को कि उसके ऊपर वो डामर पड़ी है और वो उड़ने लगी, अभी तो बरसात भी नहीं हुई है, बरसात भी नहीं हुई है और उसकी ये हालत हो रही है, बरसात के बाद क्या होगा, और तब तक चुनाव बिल्कुल आ ही गया होगा आपके सिर पे, और तब तक वो रेवड़ी बांटने की पूरी कोशिश कर रहे। आपको लुगड़ी नहीं मिलेगी अगर आपने 100 दिन कर लिए है मनरेगा के अंदर, आपको पैसा देंगे, आपको साइकिल नहीं मिलेगी बच्चियों को, अब हम पैसा देंगे, हम सब चीज के ऊपर पैसा देंगे। अरे जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं, और अगर यही करना था तो 5 साल पहले शुरू क्यों नहीं किया जब आपकी सरकार आई थी और वो भामाशाह योजना तैयार पड़ी हुई थी, जिस भामाशाह योजना के अंदर 50 लाख लोगों को फायदा होता, 1500 रुपये हर महिला को, जो भी परिवार की महिला है उस परिवार की महिला को 1500 रुपये अपन देते प्रोत्साहन राशि के तौर पे, उसके बैंक के अंदर उसका अंगूठा, उसके दस्तखत होते, बीपीएल के परिवार सब उसमें आ जाते, लघु और सामान्य के कृषक वो सब आ जाते, एससी और एसटी के लोग सब उसमें आ जाते, इतने सारे लोग, 50 लाख लोगों को वही तो पैसा देना था, आपने 5 साल क्यों नहीं दिया, क्यों वंचित रखा, आज क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम लोगों के बीच में यही काम कराएंगे, और फिर हमने तो मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराना ही नहीं, उनके बीच में जाके कहेंगे कि बीजेपी आ जाएगी तो खा जाएगी, उनको डराएंगे, उनके वोट लेंगे, जातियों के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश करेंगे, कभी किसको लड़ा देंगे, भाई भाई को लड़ा देंगे, और क्यों लड़ा देंगे, इसलिए लड़ा देंगे कि उनका वोट का फायदा उनको मिल जाएगा। मैं भाइयों और बहनों आपको कहना चाहती हूँ, मैंने सबको कह रखा है, मैंने कभी झूठ बोल के आप लोगों से किसी से वोट नहीं लिया, मैंने हमेशा जो भले की बात है वही आप लोगों के सामने रखी, और आज भी मैं आपको यही कहूंगी कि 36 के 36 सब अपने, सब मजहब अपने, ये पूरा परिवार अपना, इसका पूरा परिवार एकजुट होके जब चलेगा तभी विकास होगा, जब झगड़ा करोगे तो विकास किसी का नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान। और राजस्थान के अंदर 55 साल से ऐसा ही नुकसान होता आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की पुरानी आदत है, वो पुरानी आदत से छूटे नहीं है, आज भी वही चीज करेंगे, आप लोगों के बीच में लोगों को अलग करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे एससी और एसटी हमारे जेब के वोट है, कहेंगे मुसलमान कोई किसी को और को दे नहीं सकता वो हमारी वोट है, कहेंगे मेरे गुजरों को लड़ा दो, जाट राजपूत को लड़ा दो सबको, पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा दो और उस हाहाकार के ऊपर राज करो। मुझे ऐसे पर राज नहीं करना है, मुझे राज करना है एक परिवार से, मुझे राज करना है प्यार के साथ, मुझे राज करना है सबको जोड़ के, मुझे राज करना है कि मैं राजस्थान को एक डोर से बात के जब आगे ले जाऊंगी तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके विकास के अंदर पूरी तरह से जुड़ के आपको विकास का रास्ता दिखा सकती है, पहले भी दिखाया अपने समय में दिखाया है, ये काम मैं जो आपके सामने कह रही हूँ वो काम मैंने करके दिया है, और अगर मैंने करके नहीं दिया होता तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ी होती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 4 साल
कभी कोई फाइल खोली, कभी कोई फाइल खोली। आप तो प्लीज बैठ जाओ सामने, फोटोग्राफर ऐसा मत करो, प्लीज बैठ जाओ ना एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए बैठ जाइए। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि मैंने जो भी काम किया है वो पहले आप लोगों का सोच के किया, आगे भी जो होगा वो आप लोगों का ही सोच के हम करेंगे। परंतु जो लोग आपके बीच में आते हैं और आपको जाल के अंदर फंसाने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि वो आज ही नहीं, वो आज आपको ये देखे जाल जरूर फंसा देंगे और फिर वही 4.5 साल दुखी रखेंगे। ये आपको याद रखने की जरूरत है। जब 55 साल में नहीं चेंज किया है तो आज क्या बदलने वाले हैं? बदल नहीं सकते भाइयों। अपन ने बहुत दफा ट्राई कर लिया, अपन ने बहुत दफा उनको मौका दे दिया, परंतु बदले नहीं। अब एक नई चीज लेके आए हमारे पीछे, तो उन्होंने बड़ा एक बहुत बड़ा कानून खड़ा करने की कोशिश की। क्या नाम था उनका जो जज का खोल के रखा मेरे पीछे? मातृ आयोग। इतना बड़ा मातृ आयोग कि पकड़ के इसको जेल में बंद करो। पूरे मातृ आयोग ने जितने फाइल थे वो सब खंगाल लिए। रोज मेरी वो करा, क्यों कि अच्छा काम किया था ना, तो इसको किसी भी तरीके से बंद करने की जरूरत है। सब पूरा कर लिया, नहीं कर पाया आज तक। तो सीबीआई एक नया हुआ हो गया, सीबीआई को उठा के लाए। आया सीबीआई के अंदर, आपने पहले एक को बंद किया, फिर दूसरे को बंद करने की कोशिश, सबको धमकी देने की कोशिश, और अब गुलाब कटारिया जी को बंद करने की कोशिश। आप लोगों ने पूरी साजिश रचने की कोशिश। ऊपर वो है, निर्भर है। हम जानते हैं कि कोर्ट जो भी करेगा वो सही करेगा, और ऐसा व्यक्ति जिसने अभी किसी मक्खी तक को छुआ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप लांछन लगाने की कोशिश करेंगे तो हम तो कोर्ट के सामने खड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि पाक है और पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और पूरी तरह से उनके साथ लड़ने को तैयार है। और मैं सबको यह कहना चाहती हूँ कि डराओ धमकाओ, परंतु हम इनसे नहीं डरने वाले। हमने प्रतिज्ञा की है कि हमारा ये परिवार जनता का परिवार, इस जनता के परिवार के लिए मर मिटना पड़ेगा तो हम मर मिटने में पीछे नहीं हटेंगे। बस बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद हो, बस आप लोग जुड़े रहे, बस आप लोग बार बार प्रोत्साहित करते करने को तैयार। आप लोग रहेंगे इसी चीज के लिए, हम लोग भूखे हैं और इसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। आपका प्यार जब तक है तब तक जिंदगी है। आप लोगों के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, सब कुछ करने को तैयार है, परंतु साथ आप लोग होंगे तो मैं समझती हूँ कि पूरा काम हो जाए। आप लोग सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप लोग सबको आज आप फिर से ये करना चाहते हैं। आप लोग सबको मैं बहुत सारा प्यार सबको देना चाहती हूँ और सबको यही विश्वास देना चाहती हूँ कि परिवार जैसे अगर हम एक दूसरे के साथ माता बहने खड़े हो जाएं तो वो नया राजस्थान जिसका सपना आपने और हमने सबने देखा है अपने बच्चों के लिए, वो हम पूरा कर सकेंगे। एक नया राजस्थान जिसके अंदर हमारा बच्चा पढ़ लिख सके, उसको नौकरी मिले। एक नया राजस्थान जिसके अंदर हम लोग सब इज्जत के साथ चल सके। आज हमारी महिला के साथ जो अत्याचार होते हैं वो इज्जत के साथ रखते हुए चल ही नहीं सकते। ऐसा राजस्थान जिसमें हमारा किसान मजबूत हो जाए, जिसको सही बिजली मिले, जिसको सही पानी मिले, जो अपने को जब उसको बीज की जरूरत है, खाद की जरूरत है, वो टाइम पे मिले, फसल के अच्छे दाम मिले, और जब भी कभी भी ऐसा कोई उसके साथ ओलावृष्टि या कुछ हो जाती है तो उसको सही टाइम से पैसा मिले। ऐसी स्थिति के लिए मैं आपको वादा करना चाहती हूँ कि चाहे वो बिजली की मुसीबत हो, चाहे वो रस्ते की मुसीबत हो, इन सब चीजों के अंदर हम जैसे पहले खड़े थे वैसे पहले खड़े रहे। और आप तो 10 किलोमीटर की बात करते हैं, मैंने हमेशा यही कहा है जो काम जनता के लिए है, जो काम जनता के अच्छे के लिए है, उन काम को करना सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है और उस सरकार को करना ही पड़ेगा। पिछले बार भी हमने करके आपको दिखाया, आपने ये तोड़ दी वगैरह की बात तब भी कही थी, तब भी हल्ला किया था। आप मुझे मालूम है कि इन्होंने अभी भी कहा है, उसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे। मौका आएगा तो ये बिजली, पानी, सड़क, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना, ये हमारा काम बनेगा, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी और उसका पूरा करने का हम काम करेंगे। झूठ के ऊपर नहीं,
परंतु प्रेम से और सहयोग से और साथ से और एक पारिवारिकता पे हम लोग साथ चलेंगे, तो मैं मुझे विश्वास है कि राजस्थान के अंदर विकास भी होगा और हम राजस्थान को बदल सकेंगे। तो बताओ, ये हिम्मत का काम है? हिम्मत है, हिम्मत है। मुझे 9 बजे से बैठे हो, हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो तैयार हो लड़ने के लिए। अगर तैयार हो लड़ने के लिए तो एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी जोरदार, भारतीय जनता पार्टी। और एक राजस्थान के लिए जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। महिलाओं, आप लोगों का है काम ये लड़ाई अब महिलाएं लड़ रही है, समझे ना आपको? तो ये सब आवाज आपके गले से भी मुझे निकल के देखनी है। सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सब यहाँ आए, और सब लोगों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद।